मसूरिया जी मंदिर, मसूरिया जी के मंदिर में बहुत ही भव्य मंदिर है। पहाड़ों के बीचों बीच बना ये मंदिर जोधपुर की शान को बढ़ाता है। जोधपुर शहर में ही यह कि मंदिर बड़ा ही मन्नतों वाला मंदिर है। लोग घुटने के बल आते हैं इस मंदिरों में। भीड़ को देख सकते हैं अभी सुबह के जबकि 8:30-9 बज रहे हैं, 9:30, लेकिन इस समय भीड़ होना शुरू हो गई है। इस मंदिर में बहुत कैमरे लगे हैं, फोटो खींचना सख्त मना है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इस मंदिर में। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है, निकासी का रास्ता अलग से बनाया गया है, पहाड़ों के बीच से बनाया गया मंदिर। इसमें करीब 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। हर एक ब्रैकेट में करीब 12 से 13 सीढ़ियाँ हैं। ये 12-13 सीढ़ियों को पार करके आना पड़ता है। ऊपर बहुत अच्छी गमले लगे हैं, फूल लगे हैं जिनको भी देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। देख रहा हूँ, देख मंदिर में जगह जगह लिखा है फोटो खींचना मना है। ये है मंदिर के पूरा डिटेल हम दिखा देते हैं। ये है श्री गुरु बारीनाथ जी समाधि स्थल मसूरिया। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला भी है। पहाड़ों के बीच से बना ये मंदिर राजस्थान की शान को दर्शाता है। इस मंदिर में कोई भी फूल प्रसाद चढ़ाने की इजाज़त नहीं है, केवल पंडित ही चढ़ा सकते हैं। आप स्वयं मंदिर में कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए अगर आपको कुछ भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना हो तो पंडित जी को दें प्रसाद। अगर बत्ती वगैरह कुछ भी जलाने की आपको खुद की परमिशन नहीं है। ये पहाड़ों के बीचों बीच बना जोधपुर शहर के बीचों बीच में यह मंदिर है। कभी भी आइएगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा।